अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज हम ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैप्टर का नाम है द नॉटी मंकी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसके मैं आपको उर्दू में मतलब बता देती हूँ। डेंजरस का मतलब होता है बहुत ख़तरनाक, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, नॉटी का मतलब होता है बहुत शरारती, सौ एक कुल्हाड़े जैसी चीज़ होती है जो लकड़ी होती है उसको काटने के लिए काम आती है, शरी का मतलब होता है बहुत ज़ोर से चीखना या फिर चीख कर रोना, और वेज वेज एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो एक तरफ से पतला होता है और एक तरफ से मोटा होता है, जो किसी चीज़ को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अपना चैप्टर शुरू करते हैं। वन डे टू मैन वर वर्किंग इन द फॉरेस्ट। एक दिन दो आदमी फॉरेस्ट में कुछ काम कर रहे थे। दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉग। ह्यूज लॉग, वो एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जो है जैसे दरख्त का टुकड़ा या होता है वो काट रहे थे। दे वर यूजिंग अ लॉन्ग सॉ, और वो बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया सॉ का मतलब होता है जो लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये लोग वो इस्तेमाल कर रहे थे लकड़ी को काटने के लिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये लोग ये इस्तेमाल करते हैं, नाइफ जैसा होता है ये। स्विश 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 स्विश, ऐसी आवाज़ आई थी। दे पुल एंड दे पुश्ड, उन्होंने खींचा और धक्का दिया। दे पुश एंड पुल, फिर उन्होंने धक्का दिया और खींचा। दे मेड अ डीप कट इन द वुड, उन्होंने लकड़ी के टुकड़े के अंदर बहुत गहरा कट मतलब कट किया। इट वॉज़ हार्ड वर्क, ये बहुत मुश्किल काम था। द मैन वर टायर, पर जो आदमी जो थे वो थक चुके थे। दे स्टॉप टू रेस्ट, वो थोड़ी देर रुक गए और फिर उन्होंने सोचा आराम कर लेते हैं। दे पुट डाउन देयर सॉ, उन्होंने अपनी सॉ नीचे रख दी। इन द कट दे पुट अ वेज, और वो कट के अंदर उन्होंने वेज रख दी और मतलब छोटा लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। द टू मैन सेट डाउन टू ईट, जो दो आदमी थे वो बैठ गए खाने के लिए। लिटिल लेटर दे वेंट टू स्लीप, और कुछ ही देर बाद वो फिर सो गए। सून सम मंकीज केम देयर, फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर कुछ बंदर आ जाते हैं। दे लुक्ड एट द मैन, उन्होंने आदमी की तरफ देखा। वन बेबी मंकी वॉज वेरी नॉटी, एक जो बंदे का बच्चा था वो बहुत ज़्यादा शरारती था। ही रैन टू द लॉग, वो जो लकड़ी का टुकड़ा उन्हें बहुत बड़ा काटा हुआ था उसकी तरफ गया। ही जंप एंड डांस ऑन टॉप ऑफ टेबल, और फिर वो उछलने और डांस करने लग गया उसके ऊपर। हिज मदर शाउटेड, उसकी मदर जो है वो चीखी, कैट डाउन नाउ इट्स डेंजरस, नीचे उतर जाओ बहुत खतरनाक है। द नॉटी मंकी डिड नॉट लिसन, जो नॉटी मंकी था उसने नहीं सुना। ही डांस एंड ही सैंग, वो नाच उतर वो गा रहा था। ही सैंग एंड ही डांस, वो गा रहा था और वो नाच रहा था। ची ची भी इस तरीके से कर रहा था। जस्ट लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, आई एम क्लेवर मंकी, मैं बहुत चालाक बंदर हूँ। द नॉटी मंकी सॉ द वेज, जो नॉटी मंकी था उसने वो वेज जो है वो देख ली, लकड़ी का टुकड़ा देख लिया। ही पुल्ड इट, उसने वो लकड़ी का टुकड़ा निकाला। द वेज केम आउट, और फिर वो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो निकल गया। देर वॉज अ लाउड स्नैप, एक बहुत ही बुलंद आवाज़ आई। द मंकीज टेल वॉज कॉट, मंकी की जो टेल है वो फंस गई थी या पकड़ी गई थी। इन कॉट का मतलब ये हो सकता है आओ आओ उसने किया। शरीक द लिटिल मंकी, शरीक मंकी जो है वो बहुत ज़ोर से शरीक किया मतलब चीखा। द मैन वोक अप, और फिर जो मैन है वो फिर उठ गए। ओके, तो यहाँ पर इसकी कुछ एक्सरसाइज आ जाती हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट वर द टू मैन डूइंग इन द फॉरेस्ट, जो दो लोग थे वो फॉरेस्ट में क्या कर रहे थे, आप इसका आंसर लिख देंगे। द टू मैन वर कटिंग द ह्यूज लॉग इन द फॉरेस्ट, जो दो मैन थे वो एक दरख्त या लकड़ी के टुकड़े को काट रहे थे फॉरेस्ट में। व्हाई डिड द मैन स्टॉप वर्किंग, जो आदमी है उन्होंने वर्क स्टॉप क्यों कर दिया। तो आप इसके लिए पेज नंबर 84 पर आएंगे, आप देखेंगे दे यहाँ पर लिखा हुआ है दे मेड अ डीप कट इन द वुड, इट वॉज हार्ड वर्क, द मैन वर टायर्ड, उन्होंने जो है लकड़ी के अंदर बहुत गहरा कट कर किया और ये बहुत हार्ड वर्क था, मुश्किल काम था, इस वजह से ये दोनों जो है थक गए थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन डू व्हेन दे स्टॉप, वो दोनों आदमियों ने क्या किया जब उन्होंने अपना काम रोक दिया। इसके लिए भी आप पेज नंबर 84 पर आएंगे, तो इस पर लिखा हुआ है दे स्टॉप टू रेस्ट, आराम करने लुक गए। दे पुट डाउन देयर सॉ, उन्होंने अपनी सॉ नीचे रख दी। इन द कट दे पुट अ वेज, और उन्होंने कट के अंदर वेज रखा। द टू मैन सेट डाउन टू इट, लिटिल लेटर दे वेंट टू स्लीप, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लिटिल मंकी डू, जो छोटा बंदर था वो क्या कर रहा था। इसके लिए आप पेज नंबर 85 पर आएंगे, यहाँ लिखा है वन बेबी मंकी वॉज वेरी नॉटी, ही रैन टू द लॉग, ही जंप एंड डांस ऑन टॉप ऑफ इट, जो मंकी का बेबी था बहुत नॉटी था, शरारती था, मुझे लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने काट रहे थे, वो उसके ऊपर गया, जंप की और वो उसके ऊपर नाचना शुरू हो गया। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज वेरी नॉटी, कौन ज़्यादा शरारती था, तो उसका आंसर हो जाएगा द मंकीज बेबी वॉज वेरी नॉटी, बंदर का जो बच्चा था बहुत ज़्यादा नॉटी था, शरारती था।
यहाँ एक और एक्सरसाइज रहती है, मार्क द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स सेंटेंसेस, राइट देम इन योर नोटबुक। यहाँ पर कुछ हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ट्रू या फॉल्स हैं आपको खुद लिखने हैं, और अगर फॉल्स हैं तो आपको इनको फिर ट्रू में कन्वर्ट करना है। द ओल्ड मंकी वॉज नॉटी, नो, इसका आंसर हो जाएगा द बेबी मंकी वॉज नॉटी। ओल्ड की जगह आप बेबी लिख देंगे। थ्री मैन वर कटिंग द वुड, नो, थ्री की जगह आप लिख देंगे टू मैन वर कटिंग द वुड। द लॉग वॉज क्वाइट स्मॉल, नो, द लॉग वॉज ह्यूज, आप यहाँ पे ह्यूज लिख देंगे। द मंकी डिड नॉट लिसन टू हिज मदर, यस, उसने अपनी अम्मी को नहीं सुना, ये ट्रू हो जाएगा। द मंकी जम्प अपॉन टू द लॉग, यस, ट्रू। और एक्सरसाइज रहती है फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी बिगिनिंग विद, यहाँ पर हमें स्टोरी में कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं, चार वर्ड जो एम से आते हैं, डब्ल्यू से, एस से, पी से, डी से, तो मैंने ढूंढ लिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। नंबर फर्स्ट एम से मैन, देन मंकी, देन मेड एंड मदर। नंबर सेकंड पे डब्ल्यू से है वेज, वर्किंग, वुड, वेंट और वोक। तो इसमें से आपको जो ठीक लगे आप कोई भी एक लिख सकते हैं इसमें से। इसका हो जाएगा सौ, और फिर एक और आ जाएगा श्रीक, श्रीक का मतलब होता है चीखना, स्टॉप्ड, देन स्लीप। पी का है वो हो जाएगा पुल, पुश्ड और पुट। पी से वर्ड से जो है वो तीन ही वर्ड हैं इस पूरे चैप्टर में, हम तीन ही लिख देंगे। डी से आप लिख देंगे डेंजरस, डे, डीप एंड डांस्ड। ओके, यहाँ पे नीचे लिखा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड यू हैव फाउंड, सबसे बड़ा वर्ड आपने इस चैप्टर में क्या देखा है, तो आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जो आपको सबसे बड़ा लगा हो। आप में डेंजरस लिख सकते हैं आप, द डेंजरस वर्ड इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड यू हैव फाउंड, या फिर आप मंकी भी लिख सकते हैं जो बहुत लंबा हो वर्ड, तो मैं डेंजरस लिख देती हूँ, अगर आपको कोई और लिखना हो आप कोई और लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ लिखा है रीड द सेंटेंसेस, लुक एट द डूइंग वर्ड्स, ये सेंटेंसेस पढ़ो, इस डूइंग वर्ड्स को देखें। रिदा ईट्स मैंगोस एवरी डे, ये डूइंग वर्ड है। रिदा इज़ ईटिंग अ मैंगो नाउ, रिदा एट अ मैंगो यस्टरडे। ये हमें कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड नीचे है विच डूइंग वर्ड टेल अस अबाउट द पास्ट, राइट देम इन द ब्लैंक्स, कौन से डूइंग वर्ड हैं जो हमें माजी के बारे में बताते हैं, वो आप नीचे लिख दें। यहाँ एग्जाम्पल दी हुई हैं, तो यहाँ वॉक है तो आप लिख देंगे वॉक्ड, ई डी लगा देंगे। यहाँ प्ले है तो आप लिख देंगे प्लेड। इसके बाद नीचे है फाइंड, तो ये मैंने लिख दी है यहाँ पर, प्ले का जो है वो प्लेड हो जाएगा, फाइंड का फाउंड हो जाएगा, ड्रिंक का ड्रिंक्ड, लाफ का लाफ्ड, शाउट का शाउटेड, ईट का एट और रन का रंट। ईडी ऑलमोस्ट हर जगह आगे लगाना है। ओके, तो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ पिक्चर ऑफ द मंकी एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट। आपको यहाँ पर पिक्चर बनाना इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो कुछ सेंटेंसेस हैं मैं आपको बता देती हूँ कि आगे क्या हुआ। हियर आर सम वर्ड्स टू यूज़, ये जो वर्ड्स हैं इसकी हेल्प के थ्रू ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। द नॉटी मंकी वॉज जम्प्ड अप द लॉग एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड हैविंग फन, बट वैन हर टेल कॉट ही बिकम्स वेरी फ्राइटेंड एंड देन He asked help from his mother and he promised to his mother that he will never do this again. तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, मैं आपको एक दो और दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ। ये जो वर्ड्स हैं मैंने ये यूज़ किए हैं इसमें, the naughty monkey was jumped up the log, जो naughty monkey है उसने वो लकड़ी के टुकड़ों पर jump की, and he was very happy, और वो बहुत खुश था, and having fun, उसे बहुत मज़ा आ रहा था,
बट वैन हर टेल कॉर्ड, लेकिन जब उसकी जो दुम थी वो पकड़ी गई या फिर फंस गई, ही बिकम्स वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डर गया, एंड आज हेल्प फ्रॉम हिज मदर, पर उसने अपनी मदर से मदद मांगी, एनी मदर एनी प्रॉमिस टू हिज मदर, पर उसने जब वो बच गया, उसकी मदर ने उसकी ठीक कर दिया उसको, तो उसने अपनी मदर से प्रॉमिस किया दैट ही विल नेवर डू दिस अगेन, कि अब वो इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करेगा। ओके, तो एक ऊपर एक लास्ट है, इसकी भी एक्सरसाइज है, मैं आपको बता देती हूँ। द नॉटी मंकी डिड नॉट लिसन टू हिज मदर एंड लुक वॉट हैपन टू हिमसेल्फ। नॉटी मंकी ने जो है वो अपनी मदर की नहीं सुनी, और फिर देखें कि उसके साथ क्या हुआ। डू यू लिसन टू योर पेरेंट्स, क्या अपने पेरेंट्स को सुनते हैं। डिस्कस वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू योर पेरेंट्स, क्या आप अपने पेरेंट्स की सुनते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पेरेंट्स की सुने। तो इसका भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। डू यू लिसन टू आर पेरेंट्स में आप लिख देंगे येस वी लिसन टू आर पेरेंट्स। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, देर आर मैनी रीजन्स वाई यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स नो अस बेटर देन एनी वन, पेरेंट्स हमें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। नो वन हैज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी, किसी के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है टू नो वॉट यू नीड दैट योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स को हमेशा पता होता है कि आपको क्या चाहिए, कोई और इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दे लुक आफ्टर यू एज यू ग्रो, जब आप पैदा होते हैं तभी से वो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। दे फेड यू, क्लोथ यू, वो आपके जो हैं आपको कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा आपको खाना खिलाते हैं, आपके क्लोथ्स चेंज करते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करते हैं। तो एक दफ़ा वापस मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। देर आर मैनी रीजन्स वाई यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स नो इज़ बेटर देन एनी वन, नो वन हैज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू नो वॉट यू नीड देन योर पेरेंट्स। दे लुक आफ्टर यू एज यू ग्रो, दे फेड यू, क्लोथ यू, एंड मैनी थिंग्स दे डू फॉर आवर कम्फर्ट। ओके ओके, तो जो चैप्टर है द नॉटी मंकी विद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो नेक्स्ट का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब करें इफ़ यू वांट मोर वीडियोस फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू।